हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी एक बार फिर से वेलकम है आप सबका मेरे चैनल स्वास्थ्य शिवानी के संग में। फ्रेंड्स, गाजर आजकल खूब लाल लाल मजेदार आ रही है, तो बस आज मैं एक मजेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। गाजर का हलवा तो बहुत बार बना लिया होगा, खा लिया होगा। चलिए आज बनाते हैं मजेदार गाजर की खीर। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई करिएगा। खीर बनाने के लिए गैस पे हमने रखी एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून देसी घी। मैं हर वीडियो में जब भी दूध की कोई रेसिपी बनाती हूँ तो बताती हूँ कि जब भी आप दूध को कढ़ाई में डालने से पहले आप घी से कढ़ाई को ग्रीस कर दें, या फिर कढ़ाई के तले में थोड़ा सा पानी लगा दें, जिससे क्या होता है ना कि हमको लगातार दूध को चलाना नहीं पड़ता है, और किचन के और काम करते हुए साथ में हम अपना ये जो डिश बना रहे हैं वो भी हम बना सकेंगे। तो घी से हमने पूरी कढ़ाई को ये देखिए अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अब इसमें हम दूध डालेंगे तो दूध बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 लीटर फुल क्रीम दूध। दूध की कोई भी मिठाई बनाइए तो कोशिश करिए कि फुल क्रीम मिल्क ही इस्तेमाल करिए। तो मैंने दूध को पहले से बॉयल करके रखा हुआ है और दूध को हमने गैस पर चढ़ा दिया है। एक अच्छा सा इसमें बॉयल आ जाने देते हैं। तक खीर के लिए दूध बॉयल हो रहा है तब तक हम अपनी गाजर तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ली है लाल वाली 5 गाजर। अगर भार में आप इसे देखेंगे तो ये 500 ग्राम गाजर है। गाजर को हमने छील कर अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, एक मिक्सी का जार लेते हैं और गाजर के छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं। गाजर के टुकड़े काटने से हमें कद्दूकस करने का जो झंझट है गाजर को, वो भी हमारा खत्म हो जाता है। आप कद्दूकस करना चाहें तो आप गाजर को कद्दूकस भी कर सकती हैं। मैं बहुत इजी वे में आज खीर बना रही हूँ। तो गाजर को हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और मिक्सी में हम इसको पूरा महीन नहीं पीसेंगे, पल्स पर हम इसको पीस लेंगे। आप देख सकती हैं दूध में बॉयल आ गया है। तो अब गैस की फ्लेम को मैं मीडियम कर दे रही हूँ और अब इसमें हम डाल देंगे हमने जो ये गाजर को मिक्सी में ये देखिए पीस के रखा है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल महीन नहीं है, इसको हमने पल्स पर पीसा है। सारी गाजर को ऐड कर देते हैं दूध में। गाजर हमने सारी दूध में डाल दी है और अब इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर गाजर को गलने तक या दूध को थोड़ा सा गाढ़ा और हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे, और बीच बीच में हम अपनी खीर को चलाते रहेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और 1/4 कप दूध, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। फ्रेंड्स, दूध के साथ मिल्क पाउडर को देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। और फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा कि दूध आप फ्रिज का निकला हुआ ठंडा लीजिएगा, क्योंकि अगर गर्म दूध हम मिल्क पाउडर में डाल देंगे तो वो लम्स बन जाएंगे। और अब इस दूध को हम अपने कढ़ाई वाले दूध में ऐड कर देंगे। लगभग 5 से 7 मिनट हो गया है खीर को पकते हुए और ये देखिए थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गई है। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ मिल्क पाउडर जो हमने दूध के साथ मिलाकर रखा हुआ है और इसको चला देते हैं। फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर आप डालना चाहें तो डालें और ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। बस इसलिए डालते हैं कि थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है और दूध बहुत जल्दी से गाढ़ा हो जाता है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैं डाल रही हूँ 8 से 10 काजू, इसको मैंने काट लिया है। 8 से 10 बादाम, इसको भी मैंने काट लिया है। और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। अगर आप पिस्ता डालना चाहते हैं या अपने मनपसंद और भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। और अब इसको हम दूध को कम से कम 10 मिनट हम इसे और अभी पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। आप देख सकते हैं खीर हमारी पककर गाढ़ी हो रही है और इस टाइम पर हम इसमें डाल देते हैं चीनी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप चीनी। 1 कप पूरा नहीं भरा है, थोड़ा सा कम है। आप चीनी को थोड़ा कम भी कर सकते हैं और थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं। चीनी का जैसा टेस्ट आपके घर में सबको पसंद हो, चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब चीनी के घुलने तक खीर को हम थोड़ा और गाढ़ा कर लेते हैं, लगभग
8 से 10 मिनट हम मीडियम फ्लेम पर खीर को और पकाएंगे और बस हमारी ये खीर बनके रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपनों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे और बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस करिए, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके फोन में हो। और ये देखिए खीर को हम चला रहे हैं, लगातार हमने इसको बिल्कुल नहीं चलाया है, साथ साथ में अपने अपने किचन के और भी काम निपटाए हैं, क्योंकि हमने नीचे कढ़ाई के तले में घी लगा दिया था, जिससे हमारी खीर बिल्कुल भी नहीं तले पर लगेगी। और ये लीजिए हमारी गाजर की खीर बनके रेडी है। गैस की फ्लेम को अब हम ऑफ कर देते हैं और खीर को आप सर्व करना चाहें गरम गरम ही सर्व करें, लेकिन खीर का मजा ठंडा करके ही खाने में आता है। बिल्कुल मजेदार गाढ़ी खीर बनके रेडी है और ठंडी होने के बाद खीर थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और अब गार्निश कर देते हैं थोड़े से काजू और बादाम के साथ। और बस सर्व करिए गर्मा गर्म या ठंडी करके गाजर की मजेदार स्वादिष्ट खीर। और मैं मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।